व्लॉग तो मैं बना रही थी डलहौजी का, पर डलहौजी के 2 किलोमीटर पीछे तक का बन गया है अब, प्रॉपर डलहौजी का नहीं बन पाया, तो लेट्स सी बन पाता है या नहीं। पर स्नोफॉल आप देखोगे मेरा व्लॉग तो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है सारी तरफ। एंड यस वी आर इन्जॉइंग, पर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो होटल जो हमने किया हुआ था उसके भी पैसे अपने गए, लेकिन ये है कि मेक माई ट्रिप से हमने किया था होटल, तो मेक माई ट्रिप के कस्टमर केयर नंबर पे मेरे हस्बैंड ने कॉल की, तो किसी तरह से समहाउ वो मान गए हैं पैसे हमें रिफ़ंड करने के लिए, क्योंकि ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर हम ऊपर जा नहीं सकते तो होटल वाले बुकिंग कैसे करते हैं, क्या उनको नहीं पता है? वो तो लोकल्स हैं, उनको नहीं पता है कि ऊपर नहीं पहुंच सकते, तो आप बुकिंग सस्पेंडेड रखो थोड़ी देर के लिए कि भाई ऊपर गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही हैं, हमारे कस्टमर के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो थैंक्स टू मेक माई ट्रिप के वो मान गए वो लोग, और उन्होंने हमारी बुकिंग हमें बोला है कि हम आपको रिफ़ंड कर देंगे 10 दिन के अंदर। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, पर ये है कि बाकी सुबह का स्टेटस मैं आपको सुबह ही दिखाऊंगी, आगे पीछे का सराउंडिंग्स का। पर इस वक्त भी यहाँ बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि सब लोग जो ऊपर नहीं जा पाए हैं सब यहीं पे आ गए। और बनीखेत वो पॉइंट है जहाँ से एक रोड जाती है चंबा को और एक रोड जाती है डलहौजी को, तो ये सेंटर पॉइंट है, एक जंक्शन है जहाँ पर हम लोग इस वक्त रुके हुए हैं। सो आई विल बी शोइंग यू स्मॉल ग्लिम्प्स ऑफ दिस प्लेस। देयर इज लॉट ऑफ स्नो एंड स्नो एवरीवेयर, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। थोड़ा और आगे से दिखाती हूँ आपको, देखो। एंड दिस इज द रोड, ये रोड है। इस वक्त आपको बड़ी दिख रही है, ये साफ की होगी इन्होंने, बर्फ़ वगैरह हटाई होगी, पर अदरवाइज़ कल तो बहुत बुरी हालत थी। वो वहाँ से निकलेगी ये गोल घूम के यहाँ से, तो सब घरों के छतों पर बर्फ ही बर्फ है, देख सकते हैं आप। और बहुत ठंड है यहाँ पे भाई, बहुत ठंड है। एंड ये आपको आवाज़ आ रही है पानी की, बर्फ़ पिघल रही है यहाँ से, देखो आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी। अपनी गाड़ी पता नहीं कहाँ पार्क की है इन्होंने, कहीं दिख नहीं रही, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की हैं बर्फ़ के ऊपर, देख रहे हो आप। हम थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे बस, एंड फिर हम जाएंगे ऊपर। तो लेट्स सी ओपन हुआ है अभी भी के नहीं, तो आप लोग ये ग्लिम्स देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है ये। अभी ये हम नीचे हैं बनी खेत में, जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे सोचो कितनी बर्फ़ होगी, दैट विल बी अमेजिंग। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्लिप बहुत लग रही है बर्फ़ के ऊपर गाड़ियों को, टायर्स को, तो मे बी हम टैक्सी करेंगे, गाड़ी अपनी यहीं रहने देंगे, टैक्सी से जाएंगे ऊपर, तो ताकि ट्रैफिक भी हो तो हम कुछ कर सकें सिचुएशन को कंट्रोल।
सो दिस इज डलहौज़ी, दिस इज व्हाट डलहौज़ी, डलहौज़ी बस स्टैंड, बस स्टैंड एंड राइट नाउ वी आर एट डलहौज़ी बस स्टैंड एंड स्नो फॉल हो रही है। आप देख सकते हो आगे पीछे का थोड़ा एनवायरमेंट, तो ये मैंने इसलिए लगाई क्योंकि आंखों पे गिर रही है, तो अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो आप आगे पीछे के देख सकते हो सिचुएशन कितनी बर्फ पड़ रही है इस वक्त। करो आगे पीछे, तो बहुत ज्यादा बर्फ है, अगर आप देखोगे नीचे भी इससे बहुत स्लिप लग रही है, हम चल नहीं पा रहे हैं इस पे, क्वाइट स्लिपरी एंड गिरना है। तो ज्यादा देर हम नहीं रुकेंगे, हाथों की हालत देखो ठंडे हो गए एंड नाक लाल मुंह लाल एंड और थोड़ी देर रहे तो जम जाएंगे बर्फ में, तो इसलिए हमने अब डिसाइड किया है कि हम लोग अब निकलेंगे वापस। तो हम टैक्सी पे आए थे यहाँ तक और नीचे हमारी गाड़ी लगी हुई है, तो बस हम कॉल करेंगे टैक्सी वाले को एंड दैट्स ओके, हम चले जाएंगे। सो दिस वॉज माई ब्लॉग टू डलहौज़ी, तो स्नोफॉल के टाइम पे ही विजिट करें तो इट्स क्वाइट गुड, इट्स क्वाइट इंजॉयबल, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, ठंड बहुत है, बहुत सारे कपड़े पहन कर आए एंड So overall, it was an awesome excursion. Unparalleled views, snow-clad slopes, fantastic scenery, a non-stop cool breeze. The best places to visit nearby are St. Patrick's Church, St. John's Church, the Chamba Town, Khajiar, Panchpula, Chimera Dam, Dankun Peak, and many more. It went out to be more than an amazing trip. I'll come again here. Hope you liked my vlog. See you in the next one. Till the time, stay connected and subscribe to my channel for more. Bye-bye.